हाय एवरीवन। तो आज का जो रीडिंग है वो है वर्गो साइन के लिए, ठीक है, कन्या राशि के लिए, और कन्या राशि का किस तरह से रहेगा अप्रैल का महीना 2023। ठीक है, सो मैं ऑलरेडी जोडियक साइंस के ऊपर रीडिंग देना स्टार्ट कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली जो रीडिंग है ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ऑलराइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। लास्ट में हम गाइडेंस कार्ड्स देखेंगे। तो गाइडेंस कार्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप अपने एक्शन को सही से निभा पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फॉर वर्गो। चाहे आपकी मून साइन हो, चंद्रमा राशि हो, या सन साइन हो दैट इज ज़ोडियक साइन हो, या आपके लग्न दैट इज एसेंडेंट साइन हो वर्गो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या कुछ हो सकता है फॉर वर्गो साइन पीपल। कन्या राशियों के लिए क्या आ रहा है अप्रैल का महीना, चाहे उनके लग्न हो, चाहे उनकी राशि हो, चाहे उनके चंद्रमा राशि हो, फॉर वर्गो। सो अप्रैल 2023 आप लोगों के लिए किस तरह से रहेगा, सो लेट मी सी। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, वी डू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, टेन ऑफ कप्स, इसको यहाँ पे रख देते। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, बहुत अच्छा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देखो तो क्या आया है, सिक्स ऑफ एंड्स, ठीक है। सो कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, जैसे थ्री, थर्ड डेट इम्पॉर्टेंट है, सिक्स नाइन 96 आप देख सकते हैं, टेन इम्पॉर्टेंट है, 10 01 इम्पॉर्टेंट है, ओके, 10 10 इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नाइन इज इम्पॉर्टेंट, 6 9 इज इम्पॉर्टेंट, एंड थर्ड डेट। तो चलो यहाँ पे हम बता देते हैं कि अप्रैल महीने में शायद किसी किसी का बर्थडे भी होगा, मुझे दिख रहा है। ओके, देखो कुछ चीज़ें हैं जैसे आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आपके साथ धोखा, फरेबी, फ्रॉड इस तरह से क्यों होते हैं, यू विल रियलाइज, आप पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन जान पाओगे, आप पूरी तरह से आगाह हो जाओगे, मतलब यू विल बी लाइक वार्न्ड, लाइक इसीलिए ऐसा हुआ, आपको पता चलेगा रहस्य का जो समाधान है, द मिस्ट्री यू कैन सॉल्व, जो रहस्य है वो आपको पता चलेगा, खुद ही पता चलेगा, खुद ही के अंदर आपको रख देना है, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट नॉलेज आपको ऑकल्ट साइंस के बारे में, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल लाइक यू कैन से दैट स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आध्यात्मिक चीज़ों के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, ठीक है, यू विल फाइंड इंटरेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, इवन साइकोलॉजी, जैसे टैरो रीडिंग इज ऑलवेज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल पैटर्न, मतलब क्या कौन सोच रहे हैं, क्या किस तरह से सोच सकते हैं, सो यू कैन डू दैट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप शायद क्रिमिनल साइकोलॉजी को लेके पढ़ना चाहोगे और जानना चाहोगे, मे बी आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, मे बी साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ योर बेस्ट सब्जेक्ट्स, हो सकता है आपको इंटरेस्ट आएगा, मैंने आपको इस तरह से कहा, या आप किसी स्पिरिचुअल काउंसलर को पूछोगे या आपके जिंदगी में जो भी जिस दफा में भी प्रॉब्लम्स आए थे, क्यों आए थे वहाँ पे, और ये भी जानना चाहोगे कि थर्ड पार्टी जो है, मे बी आप रिलेशनशिप में हैं, थर्ड पार्टी जो है वो कब चला जाएगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं अपनी शादी का, फिक्स हो जाए, आपके पेरेंट्स भी एग्री कर जाए, फिर आप हंसी खुशी रहे अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चे के साथ, यू वांट दैट, एंड कुछ लोगों के लिए वो सपना जैसे दिख रहा है मुझे वो पूरा हो रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग भी मुझे दिख रहा है कि आप ओवर थिंक करते करते जैसे आपके दिमाग में ना जैसे माइग्रेन शुरू हो सकता है, सो मे बी आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो क्योंकि आपको पैसा चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने लाइफ में, इवन मुझे दिख रहा है वो इम्प्रूवमेंट आ सकता है फॉरेन ओवरसीज से,
आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, या आप कोई संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको उस जो देश है उसकी करेंसी आपको मिलता है, भले ही आप उस देश में नहीं हैं लेकिन आपका मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबलाइज्ड, राइट, यू वर्क इन दैट, या आपको चांस मिलेगा फॉरेन करेंसी अर्न करने का, इस तरह से मुझे दिख रहा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले से जैसे आपने आपने ना बहुत इंतज़ार किया है, बहुत ज़्यादा, फॉर अ स्टेबल लाइफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिले हुआ है आपकी ज़िंदगी में, और आप जीत चाहते हैं, वो जीत की खुशी शायद आप सुनाओगे, एंड वेरी यू विल बी वेरी डिटरमाइंड इन योर करियर। और दूसरा चीज़ है आपके सपोर्टर्स बढ़ेंगे, आपके चाहने वाले बढ़ेंगे, आपको तारीफ करने वाले लोग बढ़ेंगे, एंड आई डू फाइंड कि मुझे जो दिख रहा है कि एक एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि काफ़ी मैनिफेस्टेशन के बाद शायद अप्रैल का महीना हो सकता है, बिकॉज दिस इज जनरल प्रेडिक्शन कि आपके कुछ विशेस जो है, ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ 100%, बट हाँ कुछ ख्वाहिशें हैं जो वो पूरा हो रहा है ड्यू टू मैनिफेस्टेशन एंड ऑल्सो हार्ड वर्क, क्योंकि आप काम करते करते थका हुआ नज़र में आ रहे हो, सो आप पूरी तरह से 100% एफर्ट्स भी लगा रहे हैं और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, एंड देन यू आर गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। और आप थोड़ा सा खरीदारी भी ज़्यादा हो सकता है कि करें, आपकी हेल्थ का जो है, कुछ लोगों के लिए आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, हो सकता है कि मे बी आपके घर में हो सकता है किसी का सर्जरी होने से वो चीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, या आप सर्जिकल मेथड्स को अपना रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर योर सेल्फ अ सर्जन, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मिल रहे हैं, ओके, टू डू सर्जरी, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और जैसे कोई मैजिशियन जैसे चमत्कार कर देता है ऑन द स्टेज, सो यू आर गोइंग टू शो योर टैलेंट ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डू फाइंड मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, लेकिन कभी कभार आपकी मन जो है उदास हो सकती है, आपको फिकर हो सकता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, लोगों का काम होता ही है दे गॉसिप अबाउट यू। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आपके नाम पे स्कैंडल स्प्रेड करने की कोशिश करें, या आप थोड़ा सा उनसे डिटैच हो जाइए तो बेटर रहेगा। आप उन मतलब आप अपना जो है दिल की बातें जो है ना उनके साथ शेयर मत कीजिएगा, किसी के साथ भी नहीं, ठीक है। इट्स बेटर टू स्टे अलोन देन अ इविल कंपनी, मतलब गलत लोगों से, गलत लोग जो है, इरादे जिनकी बहुत ज़्यादा गंदा है, उनसे ज़्यादा अच्छा है कि आप सिंगल रहे, ठीक है, आप अकेले रहे या आपके फ्रेंड्स कम हो, वो अच्छा है, लेकिन आपकी कोई अगर गद्दारी कर दे तो वो अच्छा नहीं होगा। सो यू शुड ऑलवेज बी सेफ, ठीक है। फिर आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग क्यों आगाह नहीं करते, मैं तो कर रही हूँ, सो यू हैव टू टेक द एडवाइस, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे फॉर्चुनेट होते हुए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन हार्ट ब्रेक यहाँ पे सिर्फ एक लव रिलेशनशिप से ही नहीं होता, हो सकता है किसी ने आपसे लोन लिया था लेकिन वो आपको चुकाएगा नहीं, सो उसको मत देना, ठीक है। कोई भी किसी को भी आप उधार मत दीजिए, अगर आप दे रहे हैं सो आप वापस उससे नहीं मिलेंगे, ये मैं डेफिनेट हूँ, नहीं दे पाएंगे वो, एटलीस्ट अभी के सिचुएशन में तो वो नहीं दे पाएंगे आपको। आपको असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वो होते हुए मुझे दिख रहा है। इवन आप अपने घर वालों से भी बोलेंगे, देखो मैंने अचीवमेंट कर लिया है, मेरे पास वो ऑफर आ चुका है, मेरे पास ऑर्डर आ चुका है जहाँ पे मैं सामान को भेजूँगा या भेजूँगी। अभी देख लेते हैं गाइस विद द ओरेकल कार्ड्स। बाप रे, इतना कार्ड्स नहीं ले सकते। द हाई लेडी ऑफ लव एंड कंपैशन, रिवरेंस, काइंडनेस एंड कंसिडरेशन। मैंने आपको यही कहा है कि आप इमोशनल टेंडेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, रियलिटी को सोचें, ग्राउंडेड हो जाए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक साइन ऐसे है जो आर्ट साइन है, राइट, सो कन्या राशि है, सो
इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा हर लोगों के साथ वही सेम एटीट्यूड या बिहेवियर करें। आप लोगों का मेंटालिटी देख के, ठीक है, उनके साथ वो आप रिफ्लेक्ट जरूर करें। द फिनिक्स यही ऊपर था, रिसरेक्शन सरेंडर टू चेंज। रिसरेक्शन सरेंडर टू चेंज मतलब फिनिक्स ऐसा पक्षी है जो जलने के बाद भी उसकी राह से वो जिंदा हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रीबर्थ आपके लिए आ रहा है, रीन्यूअल, ठीक है, एंड ग्रोथ आपके लिए ऑफ कोर्स है। थर्ड कार्ड वी डू हैव द डेजर्ट प्रिंस। देखो यहाँ पे जो है लव रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके लव्ड वन जिनको आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, मैं भी सर्वाइवल फॉल्स प्रोमिसेस में भी आपके साथ कुछ गलत कमिटमेंट या वादा करे, ठीक है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मैं नहीं बोलूंगी कि सारे लोगों के साथ ऐसा होगा जो आपकी जिंदगी को रेगिस्तान ना बना दे। आपको लग रहा है यहाँ पे ओएसिस है, मतलब आपको लग रहा है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, बट मिरेज हो रहा है। जैसे होता है ना कि रेगिस्तान में ना कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन होते हैं कि लगता है पानी है लेकिन सामने जाओ तो पानी नहीं है, ठीक है। सो आपको दूर से किसी को विचार नहीं करना है, आपको सामने जाके उसके साथ रूबरू होके बात करना है। ओके, मे बी दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम यू, मे बी सेक्स, मे बी मनी, एनीथिंग, ठीक है। ओके, द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्प। अगर आपको लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, हेल्प की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, तो आप अपने इष्ट देवता से, भगवान से, जो भी है आपके मजहब, उनसे आप गाइडेंस जरूर मांगे और हमेशा बिग पिक्चर को देखने की कोशिश करें। आपका व्यू जो है, आपका जो मतलब फ्यूचर जो व्यू है आपका, मतलब आप जिस तरह से लोगों को देखते हो उससे थोड़ा सा और बड़ा करके देखो। आप जो एक्चुअल पिक्चर है उसको देखने की आप कोशिश करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह चैनल में बने रहिए, आपको मिलता रहेगा जोडियक साइंस की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू अ लॉट। टेक केयर।